अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माई चैनल। ट्यू ब्यूटी क्रीम के बारे में आज मैं रिव्यूज़ दूँगी कि इसके बारे में मुझे किसी ने कहा था कि इसके रिज़ल्ट बहुत ज़्यादा अच्छे हैं और जहाँ पर इंस्टेंट रिज़ल्ट की बात आती है वहाँ पर ये यूज़ किया जाता है। तो ये मैंने एक बार लेकर किसी कस्टमर को भी यूज़ करवाई थी अपने, तो उसके रिज़ल्ट आए थे, लेकिन फिर जब मैंने दोबारा ये यूज़ करवाई तो उसके रिज़ल्ट नहीं आए, बल्कि उनकी स्किन पर बहुत ज़्यादा एक्नी हो गई थी जिसके ऊपर मुझे एक्नी फेशियल करना पड़ा। तो इसका मकसद ये है बताने का कि इसके अंदर ओरिजिनल और फेक दो किस्म की क्रीम्स आती हैं। रिज़ल्ट इतने ज़्यादा अच्छे नहीं हैं, बट फेयर एंड लवली से ये अच्छी है, अर्जेंट क्रीम से ये अच्छी है। और इसका यह है कि अगर ये आपको ओरिजिनल मिल जाती है तो इसके रिज़ल्ट आपके ऊपर फिर भी आ जाएंगे सर्दियों में, गर्मियों में नहीं। और ये ऑयली स्किन के लिए नहीं है, ड्राई स्किन के लिए है, या जिनकी टू टोन स्किन हो, मतलब कि सर्दी गर्मी में दोनों में उनकी मतलब नॉर्मल रहती हो, तो ये उनके लिए क्रीम है। और इसकी पहचान क्या है, ये फ्रंट और बैक से तो सेम ही होती है, बट अंदर से इसकी चेंजिंग है। ये जो आपको दिख रही है ये वाइटनेस इसके अंदर ज़्यादा है और ग्रीन कलर जो है सी ग्रीन वो कम है। इसका मतलब है ये ओरिजिनल है। अगर ये थोड़ी सी डार्क कलर में होगी और वाइट कलर इसका जो है थोड़ा सा कम होगा तो समझ लीजिए कि ये लोकल है और इसको वापस करवा दीजिए या मत यूज़ कीजिए। और इसकी ये पहचान है कि इसके अंदर वाइट ज़्यादा होगा और लाइट स्काई ब्लू कलर जो है, लाइट ग्रीन स्काई ब्लू सी ग्रीन कलर जो है, इस तरह का शेड देगा ये बिल्कुल कम होगा। और ये ऑयली स्किन के लिए नहीं है, ये ड्राई स्किन के लिए है। सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए मेरे चैनल को। अल्लाह हाफ़िज़।